तो कुछ भी नहीं हो सकता ग्रैंड दादी। अगर पापा के पैर पे चोट नहीं लगी होती तो शायद ये जीत जाते, लेकिन अब हाँ। सुना तूने, तेरी बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। तू तो कैसे कैसे नाचेगा? मैं अभी अभी नीरू से जाके कहती हूँ कि ये डांस प्रतियोगिता के बजाय कुछ और रखे। दादी आप टेंशन मत लो, आप ना चिल करो प्लीज। जहाँ तक मुझे पता है गंगा को भी उतना अच्छा डांस करना नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। हाँ प्रॉब्लम नहीं है, उसके पैर में चोट लगी है लल्ला। कैसी बातें कर रहा है, वो तो अपने दोनों पैर पटक के कुछ ऊटपटांग कर लेगी और जीत जाएगी। और तू तू तो अपने पैरों पे सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तू कैसे डांस करेगा? ना मैं नीरू से कहती हूँ। अरे दादा मेरी बात सुनो, पापा से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं कह रहा हूँ ना मैनेज कर लूंगा। कुछ मैं नीरू से बात करूंगी, मुझसे तो लल्ला बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जरूरत ही नहीं है पापा से बात। लेकिन अगर मैनेज नहीं हुआ तो आप तो हार जाओगे ना, और अगर आप हार गए तो मम्मा मुझे आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाएंगी। शुब शुब बोल बेटा, ऐसे मत बोल, ऐसे नहीं बोलते। सुना तूने, तेरी बिटिया क्या कह रही, सही कह रही है। अगर तू हार जाएगा तो कृष्णा छूट जाएगी हमसे। ना ना ऐसे नहीं होगा, मैं नीरू से कहती हूँ कि कुछ और प्रतियोगिता रख ले, बस डांस नहीं। दादी मेरी प्लीज, अच्छा अच्छा पापा से बात करने की जरूरत नहीं है प्लीज। ऐसे मुश्किलों से भागने के चक्कर में ही तो और मुश्किलों में फंसा जा रहा हूं मैं। गंगा को पास लाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो मुझसे दूर चली जा रही है, लेकिन अब और नहीं। अब कोई भी मुश्किल अगर मेरे सामने आएगी तो मैं उससे पूरी ईमानदारी के साथ लड़ूंगा। बेवकूफी मत कर लल्ला, तू ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वैसे भी तेरे पैर में। दादी मैं फिर भी कॉम्पिटिशन लड़ूंगा, मुझे भी तो पता चले मैं अपनी बेटी के लिए उसकी माँ के लिए कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं। दादी मुझ पर भरोसा रखिए, ठीक है? मैं गंगा को इस घर में रोकने के लिए जी जान लगा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो इस घर में रहे। इस घर में रहकर आपके लिए वो खाना बनाए जिसमें वो खूब सारी मिर्च और नमक डाले, फिर सास बहू और दादी की प्रथा चलती रहे इस घर में। मस्करा का बकत है तू। ये गंगा मतलब मम्मा, लगता है इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चल 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 देखते, चलो 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 संभाल के लल्ला संभाल के। सबसे पहले मम्मा परफॉर्म करेंगी। मम्मा ये क्या हो रहा है? पता नहीं, इन लोगों का तो रोज ही कुछ ना कुछ तमाशा लगा रहता है। चलो देखते हैं आज क्या तमाशा है। थैंक यू।
All the best, Papa. और अच्छा डांस किया तुमने। All the best नहीं बोलेंगे मुझे? कुछ कर रहे हैं मम्मा को वापस लाने के लिए, लेकिन मम्मा पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे भी कुछ करना होगा कि मम्मा और पापा एक हो जाएं। लेकिन क्या क्या कर सकती हूँ मैं कि मम्मा और पापा एक हो जाएं? कल स्कूल में होने वाले फंक्शन की स्पीच उनसे लिखवाऊं, पर मम्मा पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? रात को यहाँ पर क्या कर रही है? जूही, तुम इन माँ बेटी से दूर ही रहा करो, समझी? बहुत बड़ी चीटर हैं ये दोनों। ये इस घर में आई ही इसलिए हैं ताकि हम दोनों को यहाँ से निकाल सके। ये लोग हमारे दोस्त नहीं, दुश्मन हैं जूही, और दुश्मन से जितना बचकर रहो उतना अच्छा। जूही, 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 रुको। जूही, जो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? इतनी देर से आवाज दे रही, सुनाई नहीं दे रहा, क्यों भागी जा रही हो? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अम्मा जी, फल काटे आपके लिए। भूख नहीं बहू, ले जा। अम्मा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बैठ। परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ बहू। जब से प्रतियोगिता हुई है ना, हमारे घर में कितनी खुशी है। सब लोग चहक रहे, हंस रहे, बोल रहे, खेल रहे, और ये सब उस गंगा की वजह से हुई है। जी अम्मा जी, मैं तो शालिग्राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर इस तरह से मेरा परिवार खुश रहे, हमेशा हंसता रहे, तो एक क्या हजारों प्रतियोगिता होते रहे, इससे गंगा भी यही बनी रहेगी। गंगा तो तब रहेगी अम्मा जी जब सागर उसे चैलेंज में हराएगा। क्या बोले, ये सब शालिग्राम जी की कृपा है। आप दोनों की गलती के साथ मुझे क्यों मिल रही है? मुझे आप दोनों चाहिए मम्मा। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से ज्यादा प्यार नहीं करता हूँ कृष्ण, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती। जीत गई गंगा, मैं हार गया, क्योंकि तेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के लिए, और मेरा प्यार तो तुम दोनों में बट गया। सागर, हम कृष्णा को अपने गांव चंदापुर ले जा रहे हैं।